शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इससे अब्दुल खान और आप देख रहे हैं ट्रायड। आपको बता दें कि मुंब्रा शील दीवार इलाके में जिस तरह से टीवी जो बकायादार है उनको जिस तरह से टोरल पावर के द्वारा नोटिस वगैरह भेजी जा रही थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर एमआईएम पार्टी की सह प्रधान ने भूख हड़ताल रखी। हालांकि उनकी भूख हड़ताल जो है वो कामयाब हुई और जिस तरह से टीवी का जो बकाया था और उनको जो है राहत देने की बात उन लोगों ने मांग की थी वो भी बहरहाल सामने अब देखने को मिल रही है। और जिस तरह से महावितरण के अधिकारियों द्वारा ऑफिस से आकर जिस तरह से टीवी का जो बकाया है उनकी समस्या सुनने और उन्हें हल निकालने की बात की गई थी। लेकिन अब ऐसा खबर सामने आया है कि टीवी के जो 6,000 उपभोक्ता है जिनका बकाया है उन सभी लोगों को जो है दूसरी नोटिस दी गई और तीसरी नोटिस भी 3 महीने के बाद दी गई। फिर कहीं सैफ पठान ने जो भूख हड़ताल किया था उसका असर देखने को मिल रहा है। सैफ पठान क्या बताएंगे, जिस तरह से कल टोरेंट पावर के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया उसमें कि दूसरी जो है नोटिस दी जा रही है PD बताएगा, तीसरी नोटिस देने के बाद जो है अगर वो अपना वहां पर आकर कुछ हल नहीं निकालते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों ने भी भूख हड़ताल किया था, आप लोगों का भी कहना था कि PD जो बताया है वो महावितरण के अधिकारी देखेंगे, टोरेंट पावर उस पर जो है एक्शन ना ले। अभी 2 दिन महावितरण के अधिकारी भी बैठ रहे हैं और टोरेंट ने जो नोटिस दिया है और ये भी कहा है कि लोग वहां जाएं और अपनी जो समस्या है उसका हल निकालें। जी अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कहीं ना कहीं ये अल्लाह की तरफ से मदद रही कि हम लोगों की भूख हड़ताल थी वो कामयाब हुई और आप वहां पर खुद कवरेज पे थे, आपने देखा कि महावितरण के जो अधिकारी आए थे उन्होंने हमको यही आश्वासन दिया कि जो हमारी भूख हड़ताल है हमको लिखित दिया उन्होंने कि यानी 1 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर बैठेंगे मुंब्रा में। जो PD कंज्यूमर है जिन पर डायरेक्ट केस बन रहा था, यानी जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, टोरेंट डायरेक्ट केस बनवा रहा था, हम वैसा डायरेक्ट केस नहीं बनवाएंगे, हम उसकी बिल दुरुस्ती करेंगे। जैसा कि हमने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि वो PD भी जो है पूरी तरीके से गलत तरीके से हमारे कंज्यूमर पर थोपा गया है। वो रहता है अभी इस्लाम भाई रहते थे कभी वो घर में 2010 में, उसके बाद वो 12 में भी का 15 में भी का, आज 2017 में वहां सैफ पठान रहता है। तो सैफ पठान क्यों यानी इतना पुराना बकाया भरेगा, वो अधिकारियों की साजगाट से किया हुआ PD है। फिर उसके बाद यानी जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आपके अधिकारियों ने जो फिक्सिटीज एजेस मार मार के PD बढ़ाया, जिनका कंज्यूमर का जो कंज्यूमर का बिल 1,000 आता था उनको सीधा 10,000 का बिल दे दिया, दूसरे महीना दुरुस्त नहीं करा फिर से 10,000 का बिल दे दिया, फिर जब वो तीसरा महीना 30,000 हुआ तो आपने बोला कि ये 50 एरिया से आप एक काम करो नया मीटर ले लो हम हटा देते, लेकिन वो 30,000 ब्याज वसूला जा रहा है, ब्याज बढ़ा करके उसको लाख लाख 2-2 लाख करके वसूला। तो ये पूरा PD का बकाया जो पूरी तरीके से गलत है हमारे शहर पे, इसको रोका जाए और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपके अधिकारी यहाँ बैठ करके इसको रोके। आप लोग आपका ऑफिस खोलिए, आपने फ्रेंचाइजीकरण दिया है प्राइवेट कंपनी को, आपने फ्रेंचाइजी दिया है, आपने उसको पूरा दे नहीं दिया, तो आप हमारी कंप्लेंट सुनने बैठे, टोरेंट हमारी कंप्लेंट नहीं सुन रहा है। उसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह टोरेंट को अपील करनी पड़ रही है लोगों से कि महावितरण के अधिकारी वहां बैठ रहे, जो हमने हमारे को लिखित में दिया गया कि 1 अप्रैल से मंडे और ट्यूजडे बैठेंगे वो बैठ रहे। और मैंने भी अभी 2 वीडियो वहां से साझा किया, आपने देखा होगा 2 वीडियो बनाए वो अधिकारियों के साथ हम लोगों ने पिछले मंडे कुछ 20 कंज्यूमर का है ना, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशन भी हुआ है, तो हमने वो काम करवाया और बहुत खुशी की बात है कि हमने महावितरण ने जो हमको वादा किया और 15 लोगों का आपने हल निकाला, तो इनके जो है PD के जो बकाया बिल अनुमानित तौर पर कितने रहे होंगे और इसका हल निकल के कितना आया, लोगों को कितना जमा करना पड़ा? देखिए कैसे हल मैं बताऊं कि आपको पहली सीटिंग हुई है उन लोगों की, उन लोगों ने हर कंज्यूमर से डिटेल लिया है। जैसा मैंने आपको जो मैं फिक्सिटीज एरियाज बता रहा हूँ वो CPL करने का एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसको कम से कम 1-2 हफ्ता लगता है वो CPL का प्रोसेस, क्योंकि वो हर एक मंथ का है ना कंज्यूमर की डिटेल्स निकालेंगे कि उसका यूसेज कितना था। जैसे 90 किसी का 98 का PD बता रहा है तो 97 में उसका यूसेज कितना था और 90 सडनली उसको 98 में बिल इतना बढ़कर कैसे आया, ये बिल फेक था क्या था, उसकी पूरी डिटेल्स निकालेंगे। फिर वो एवरेज के जो पुराना बकाया जो भरता था बिल
उसके हिसाब से एवरेज करके ये हटाएंगे, फिर इंटरेस्ट इन लोगों ने जबरदस्ती मारा वो इंटरेस्ट हटाएंगे, तो जो हम लोगों का अनुमान है, जो आप लोगों पे आज यानी 2 लाख का बिल बताया जा रहा है, वो इंशाल्लाह और आपने वहां पे वीडियो में, आपके वीडियो में आप चेक कर सकते हो, जब मैंने माइक पे बोल रहा था कि जब ये लोग हटाएंगे सीपीएल करेंगे तो 2 लाख का आपका 20,000 हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था उससे भी कम हो जाएगा, उनके अधिकारी ने कहा था बैठ करके वहां, तो यानी आप सोचिए अगर वो 2 लाख का बिल आपके जो बकाया बताया जा रहा है 10,000 हो जाएगा तो कितना बेहतर होगा आपके लिए। आज 2 लाख आपको भरना जबरदस्ती भरना पड़ा, मैं खुद परेशान, ये भूख हड़ताल करने का मतलब ही ये था कि मैं जब लोगों को देख रहा था बेचारे कहां कहां से पैसा अरेंज करके दे रहे, और कुछ अपने शहर के लोग, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कोई नेता का नहीं, दलाली कर रहे थे टोरंट की कि 2 लाख का आप लाख रुपया भर दो, जो मुझे लग रहा था गलत हो रहा है हमारे शहर के साथ, इस वजह से हम लोगों को बैठना पड़ा भूख हड़ताल, और 10 दिन हम बैठे भूख हड़ताल पे। अच्छा, आप लोगों ने जो भूख हड़ताल किया था उसमें कुछ बातें जो है मानी गई और उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बिल आता है उस बिल पर रीडिंग जो ली जाती है उसका फोटो लगाकर आना चाहिए। नहीं, वो भी हमारी मांगनी थी और उन लोगों ने वो भी कबूला, आप हमारा वो लेटर में आपको दे देता हूँ, आप लेटर में पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि कुछ प्रोसीजर हमको करने होते हैं महावितरण के साथ, भी हमारे भी ऊपर सुपीरियर है, तो उन लोगों ने मेरे पास वो लेटर है, उन्होंने जो महावितरण ऊपर अभियंता को दिया है खुद यानी सी भांडुप ने प्रकाशगढ़ में दिया है कि भाई यहाँ पर जो फोटोज नहीं आ रहे हैं लोग कह रहे हैं, हमारी डिमांड है जो भूख हड़ताल पे बैठे उनका है, तो जल्द से जल्द ये फोटो लगा करके बिल देना शुरू किया जाए, इससे भी बहुत राहत मिलेगी। आज जो कंज्यूमर परेशान है जिनको ये एवरेज बिल के नाम पे ज्यादा यूनिट बढ़ा बढ़ा कर बिल दे रहे, इंशाल्लाह फोटो लगने के बाद आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कि इतना यूनिट है कि नहीं मेरा इसने, तो आपको वो भी राहत मिलेगी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मांगनी से पूरा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये महीना नहीं, अगर ये अप्रैल में नहीं तो मई से इंशाल्लाह ताला आएगा, और अगर नहीं आया तो हमने जैसा हमने कहा है कि अगर हमारी मांगनी हमने जो की है वो पूरी नहीं की गई तो हम वापस भूख हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि आप लोगों की जो मांगे हैं, जैसे जो उन्होंने कहा है कि ये हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये मांग आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, उन्होंने कहा था 3 महीना 4 महीने का समय लगेगा, तो ऐसे में अगर नहीं होती वो मांगे पूरी तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? भूख हड़ताल दोबारा करेंगे आप? लेकिन भूख हड़ताल भी आप करते हैं अगर, तो जैसा आपको समर्थन चाहिए मुमरा कहें कहीं ना कहीं वो समर्थन जो है नहीं मिल पाता है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी में कम से कम वहां पर 300-500-200 लोग तो होने चाहिए। नहीं, कैसा होता है भूख हड़ताल ऐसी ही चलती है इस्लाम भाई, देखिए कि ये हंगर स्ट्राइक है, ये धरना प्रदर्शन तो है नहीं कि जहाँ नारेबाजी लगाना है, और जहाँ पर हमारे पास लोग आते थे आपको पता है कि एक बड़ा तबका अपने शहर का, इसी शहर के लोग है, लोग टोरेंट से परेशान है लेकिन वो खुलकर बोलते नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, बस खाली अपने घर नहीं, ये कहते हैं चुप हो जाते हैं। नहीं, ये जो डर का माहौल है ना, जो यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से ये तकलीफ हो रही, उन लोगों ने लोगों के दिमाग में अपने कमीशन के चक्कर में क्या बिठा दिया है कि टोरेंट कभी नहीं जाएगा, टोरेंट का कोई दूसरा हल नहीं आने वाला, आज आया नहीं। आप मेरे को बताओ MSEDCL का ऑफिस अपने शहर में ओपन होना, आज भले से उन लोगों ने टेम्पररी ओपन किया, मुझसे उन लोगों ने वादा किया है कि भारत गेट पे इंशाल्लाह परमानेंट ऑफिस ओपन होगा हम लोगों का, ये रमजान के एंड तक हो जाएगा इंशाल्लाह, या रमजान के बाद पहले वीक में इंशाल्लाह हो जाएगा, उन लोगों ने वो भी प्रोसीजर उनका चालू है पूरा लीगल, तो हो जाए। तो क्या ये एक तरह का यानी उपलब्धि नहीं अपने शहर के लिए कि टोरेंट के अलावा MSEDCL वापस ला के बिठाया हम लोगों ने? तो ये जो इन लोगों ने माहौल क्रिएट किया कि टोरेंट जाएगा नहीं, डर का माहौल, क्या 20 साल तुमको गुलामी बन के रहना पड़ेगा टोरेंट, टोटली फेक है, इस वजह से भी लोग डर रहे थे कि हम बिल लेकर जाएंगे वहां पर हमारा बिल आ जाएगा टोरेंट हम पे क्या करेगा, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट दीजिए, हम 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, उसके बाद भी आपने जैसा कहा कि मांगनी उन लोगों ने 3 से 4 महीने का, हमने कहा हम 3-4 महीना नहीं रुकेंगे, हमारे उलमा इकराम आए हैं और हम हमारे उलमा इकराम की हमेशा इज्जत की है, आप बताओ इतनी बड़ी तादाद में आपने देखा कि यानी वहां पर 30 से 40 मस्जिदों के इमाम लोग आए थे वहां पर, सब ओरिजिनल उलमा इकराम के जो हमेशा हर वक्त आपको देखने मिलते होंगे, सिर्फ यानी जैकेट वैकेट पहनकर आ जाना, अपना वो लिबास ले लेना, वैसे नहीं तो ओरिजिनल थे जो मस्जिदों में इमामत करते वो लोग थे वो लोग, तो हम लोगों ने उनकी भी रिस्पेक्ट की, हमने कहा कि वो भी हमको उठने बोल रहे रमजान के महीने के लिए, और हमारी अगर 9 में से 5 मांगने आपने पूरी कर दी है तो ठीक है हम उठ रहे, लेकिन बाकी 4 मांगने भी जो हमारी है वो जो अगर पूरी नहीं हुई तो हम 3 महीना नहीं रुकेंगे, हम 1 महीने बाद वापस आपसे बात करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम रमजान बाद यानी जितना जल्दी हो सके हम वापस से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एक आखिरी सवाल है, इस तरह से मुमरा शहर में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि घर कोई 1 साल पहले लिया, पता लग रहा है कि बाद में उसको पीडी का बकाया बिल आ रहा है 2-3-4 साल पहले, तो ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं कि हम तो इस घर में थे नहीं, कोई दूसरा रह रहा था तो हम क्यों भरे, लेकिन उन्हें भरना पड़ता है, तो ऐसे में एक
लोगों में भी जागरूक होनी चाहिए कि कोई भी घर खरीदो आप तो पहले उस घर के बारे में बिजली कंपनी में जाकर आप जो है जांच पड़ताल कर लें, क्या इस घर के ऊपर कोई बिजली का बिल बकाया है या नहीं बकाया है, क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पर वो कंपनी तो उस घर पे आके खड़ी हो रही है कि इस एड्रेस पर इस घर पर बिल बकाया है, आपको देना ही पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि मैं तो अभी एक साल पहले घर लिया हूँ, इसके पहले का बकाया है वो मैं क्यों दूं। तो लोगों को घर खरीदने से पहले इस चीज को जाकर कंपनी में क्लियर करना चाहिए कि क्या इस स्ट्रक्चर पर इस पर बिल बाकी है, अगर बाकी है तो जिससे खरीदे उसके तो पहले पे करा के उसके बाद खरीदे। ये लोगों में जागरूक तौर पर एक मैसेज जाना चाहिए। जी बेशक जाना चाहिए। देखिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो तो आपको उसका टैक्स हो, आपका लाइट बिल हो, उसका वाटर बिल हो, सब आपको पहले क्लियर है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुंब्रा शहर के साथ हुआ क्या, आप बात को समझिए। मुंब्रा शहर में ना पीडी किस तरीके से, पीडी एक होता है कि कंज्यूमर जाता है और बोलता है कि भाई मैं अभी घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा कनेक्शन को परमानेंट डिसकनेक्ट कर दो, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं नया कनेक्शन लूंगा, मैं अभी गाँव जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, उस तरीके से पीडी किया जाता है। लेकिन हमारे शहर में पीडी हुआ कैसा है, जैसा मैंने आपको बताया कि इन लोगों को है ना प्राइवेटाइजेशन करना था कहीं ना कहीं शहर में, तो इस वजह से इन लोगों ने कैसा फिक्स्टिटीएस एरियस मारना हो, बिल तुमको जबरदस्ती यानी रीडिंग बिना भेज देना हो, बड़ा बड़ा करके बिल भेज देना हो, और जब तुम परेशान होकर आते थे तो तुम पीडी करने नहीं आते थे, तुम बिल ही भरने आते थे, लेकिन तुम बिल लेकर आते थे कि मेरा 30,000 बिल आया, भाई मेरा महीने का 1,000 रुपया बिल आता था, ये 3 महीने का मुझे 30,000 दे रहे हो, तो वहां पर अधिकारी का जो भ्रष्टाचार वहां पर होता था कि अधिकारी बोलता था काम करिए आप मुझे 10,000 दीजिए मैं आपको नया मीटर दे देता हूँ। तो ये उस तरीके से पीडी किया गया है, जिसका बकाया आज वसूला जा रहा है ना वो करेक्ट पीडी नहीं है। हमारी मांगनी यही है ना कि एक कंज्यूमर का ठीक है आपका ये बोलना है कि हम प्रॉपर्टी को लाइट देते हैं, हम कंज्यूमर को लाइट नहीं देते, तो आपने एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार लाइट क्यों दी, इससे पहले क्यों लाइट दी 2 बार, उसी वक्त आप पहली बार जब आपका पीडी हो गया था आपके अधिकारी ने किया था तो वो अधिकारी ने सेकंड लाइट क्यों दी, सेकंड टाइम बिल क्यों दिया, उसी टाइम पे उसको रोक देता तो वो बकाया नहीं बच जाता। आज ये गरीब तीसरा आदमी क्यों मरेगा वो पहला बकाया, ये अधिकारी की फॉल्ट। आप कहीं ना कहीं ना एजुकेशन तो देखो एजुकेट तो होना चाहिए लोगों को, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ है ना जो पिक्चर चल रही है ना वो टोटली रॉन्ग चल रही है हमारे शहर में। हमारे शहर में जो बताया जा रहा है ना वो बकाया भी गलत बताया जा रहा है और ये पूरा भ्रष्टाचार है। हमने हमारी मांगनी उसमें देखो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन अधिकारियों पर इंक्वायरी बैठेगी, कमेटी बन करके उन पर इंक्वायरी बैठेगी और हमारी ये मांग है उन पर इंक्वायरी बैठेगी जब तक पीडी मत वसूलो आप, क्योंकि पूरा क्लियर करो कि वो अधिकारी ने किया है, क्योंकि पीडी कंज्यूमर आपके सिस्टम पर बैठ के नहीं करता था, पीडी जो है वो आपके उसको बताता हूँ। देखिए कैसा आज आप देखिए कि हमें ये कह रहा हूँ कि अगर लोग घर ले रहे हैं तो उनको टोरेंट पावर अभी है तो टोरेंट पावर से जाके उस घर के बारे में डिटेल ले लेना चाहिए। बेशक अभी अभी जो अभी जो घर ले रहे हैं वो देंगे एक लेटर देंगे कि हाँ इस घर पे क्लियरेंस है नहीं है कुछ बाकी नहीं तो ही आप घर लेना, आप ले लेते हो फिर पुराना बाकी रहता है तो आप परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं बेशक वो लोगों को नहीं, वहाँ कैसा होता है ना आप देखो कहीं ना कहीं है ना आप टोरेंट भी है ना कहीं लोगों को गुमराह करता है, आप ये बात को डिनाई नहीं कर सकते। जब आप टोरेंट के पास इंक्वायरी करने जाते हो तो तुम्हारे को लंबा टाइम घसीटवाता है, उसको भी मालूम रहता है कि उसको एक झटके में की पे उसके पास बटन पे के सिस्टम में बता दे, लेकिन वो आपको घुमाता है। अब यहाँ पर कोई घर खरीदने वाला होता है ना रुकेगा नहीं रुकेगा, अच्छा उसके बाद वहां पर ऑलरेडी मीटर चालू है, ठीक है अभी 6,000 कंज्यूमर का जो इन लोगों ने नोटिस दिया, आप मुझे बताओ 6,000 कंज्यूमर का इन लोग बोल रहे कि इनके पास मीटर ही नहीं है तो इन लोगों ने नोटिस दिया, ठीक है, लेकिन जिनके पास मीटर हो के भी पीडी बता रहे वो कंज्यूमर का क्या मतलब है, उनको तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी लाइट आपके वहां लाइट चालू है और आप उसका बिल भर रहे हो लेकिन आप बता रहे हो कि पहले किसने यूज करा उसका पैसा भरना है, वो तो टोटली गलत है। वो तो तुम्हारे को अगर 1,000 रुपया बिल हो, 1,00,000 रुपया बिल हो, 1 करोड़ बिल हो, भरो ही मत आप, क्योंकि टोटली फेक है वो। आप उसके लिए हमको बोलो, हम कॉन्टेक्ट करो, हम अधिकारियों से बात करेंगे। तो इस तरीके से ना चीजों को मैं जो आपको बता रहा हूँ समझा, ठीक है अभी जो 6,000 कंज्यूमर का है, ठीक है मैं ये 6,000 कंज्यूमर के फेवर पे भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ठीक है आपको अगर आपने अप्लाई किया है टोरेंट के उसके मीटर के लिए और वो नहीं दे रहा और बकाया बता रहा है तो MECDCL ऑफिसर वहां पर आ रहे हैं, आप वो बकाया क्लियर करके लीजिए आपका जो भी दुरुस्त करवा करके और उसके बाद मीटर लगा के लीजिए। लेकिन जो कंज्यूमर के ऑलरेडी मीटर लगे उनसे पैसा वसूलना गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप लोगों की मांग पर महावितरण का ऑफिस तो खोला गया है लेकिन वो यहाँ से काफी दूर है, करीब 15-20 मिनट जो भी लगे पहुंचने के पड़ले गांव में, तो मुंब्रा में क्यों नहीं खुला गया, जरूरत तो मुंब्रा वालों की है। नहीं देखिए आप इस देखिए कि ये जो SM के विभाग है वो पूरा है, वो पड़ले से लेकर के वहां तक है और जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कहा उन लोगों ने हमको रिटर्न में दिया था कि 1 अप्रैल से वो एनी आओ बैठेंगे यहाँ पर, अब भूख हड़ताल अनशन तोड़िया 10 दिन हो गया
तो वो एक अप्रैल से जो उन्होंने कहा था, तो उनने जो प्रोसीजर अपने हेड ऑफिस पे किया है कि हमको यहाँ पर एक ऑफिस ओपन करना है परमानेंट, तो उसको टाइम लग रहा है, लेकिन वो अपना वादा पूरा निभाने के लिए, उनको पता था कि एमआईएम कहीं ना कहीं फॉलोअप पे कंटिन्यूसली, हमारे जो ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी साहब, उनके हमने फॉलोअप पे उनको लगा के रखा था और उनका फॉलोअप आपको पता कंटिन्यू उनके साथ लगे थे कब ऑफिस ओपन होगा। तो उन लोगों ने अभी टेम्पररी बेसिस पे वहां बैठा है, मुझे अधिकारियों से बात हुई है जो वहां बैठे हैं और जो उनके सुपीरियर है उनसे भी मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा है कि सैफ भाई हम लोग एक महीने का टाइम दीजिए, हम लोग परमानेंट ऑफिस खोलेंगे भारत घर पे एमएससीडीसीएल का, वहां पर ये पीडी ही नहीं, वहां पर हर तरह के यानी जो प्रॉब्लम्स आ रहे टोरेंट से भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे उसकी भी सुनवाई होगी वहां पर। और ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा जवाब है, जो लोग ये रूमर्स फैला रहे थे कि शहर में टोरेंट का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आज मैं आपको आपके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि टोरेंट आने से रोजगार मिल गया। अरे भाई वो उनके लोगों को रोजगार मिल गया, रोजगार की इतनी फिक्र थी उन लोगों को, मैंने आपका वो इंटरव्यू सुना कि कोई यानी उनका एक कार्यकर्ता छोटा मोटा बैठ करके ये सब बातें कर रहा, तो मुझे ये बताया आप कि जब यानी रोजगार की इतनी फिक्र थी तो स्लॉटर हाउस की जगह तुम लोगों ने क्यों गबन की? आज वहां स्लॉटर हाउस बन जाता तो 10,000 लोगों को रोजगार लग जाता। आज तक तुमने एक हॉकर जोन नहीं दिया हमारे शहर में, एक हॉकर जोन देने में तुम कामयाब नहीं रहे, बेचारे हॉकरों पर हमेशा कार्रवाई करके उनकी रोजगार को खराब करे। ये तुम्हारे चार कार्यकर्ता, ये तुम्हारे चार कॉन्ट्रैक्टर जिनको तुम्हारे ही बिल बांटने का वाटअप का काम मिला, एमएच एंटरप्राइजेस हो, नाज इलेक्ट्रिकल हो, ये सब तुम्हारी कार्यकर्ता लोगों की रोजगार के लिए तुमको फिक्र हो रही है। खैर वो अलग मौजूद है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरा ये है कि अभी ये बहुत बड़ी यानी खुशी की बात है कि आज टोरेंट खुद ये ऐलान कर रहा है कि वो 6,000 कंज्यूमर जाकर के वहां से दुरुस्ती कर ले, मैं तो यही टोरेंट उन पे केस बनाता था। तो कहीं ना कहीं ये अपोजिशन का पावर है, एमआईएम का पावर है, हम इसके आगे भी इसके खिलाफ भूखड़ता पे बैठेंगे। हमारी मांगनी देखिए, सबसे पहली मांगनी ये है कि टोरेंट पावर शहर से हटे, लेकिन जब तक वो हटती नहीं, इस तरीके के मामला केसेस हमारे लोगों पे बने नहीं, इसके लिए हम बैठे थे। और आज कहीं ना कहीं वो रात आपका ही सवाल था कि आप वो पहली मांगनी तो नीचे मांगनी क्यों कर रहे, तो वो प्रोसीजर उन लोगों ने भी कहा कि 4 से 6 महीना लग जाएगा हमको टोरेंट पावर को हटाने का अगर प्रोसीजर शुरू करते हो। ये 4-6 महीने में सोचो कि 6,000 लोगों पे केस बन जाता था, तो कहीं ना कहीं आज वो केसेस रुके हैं। अलहमदुल्ला आज देख रहे होंगे आपके शहर में मीटर बदली करना भी रुक गया है, वो भी हम लोगों ने हमको लिख के दिया कि उन लोगों ने टोरेंट को डायरेक्शन दिया कि डायरेक्ट मीटर ना बदली किया जाए कंज्यूमर का। आज बहुत सी चीजें हमारे बैठने का रुकी है, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से पूरी उम्मीद है कि एमआईएम इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला टोरेंट पावर के खिलाफ जैसा 2018 से एमआईएम लड़ रही है उसके खिलाफ आगे भी लड़ेगी, इंशाल्लाह ताला आज ये सब चीजों को रोका है, इंशाल्लाह ताला टोरेंट को हटा के रहेंगे इस शहर से। आपने सुना कि सैफ पठान जो एमआईएम के करवा मुंडा विधानसभा के अध्यक्ष है, टोरेंट पावर के खिलाफ जो है शुरू से ही उनकी पार्टी आक्रामक है और लगभग 2 बार भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं और तीसरी बार की भी तैयारी भूख हड़ताल की जा रही है, क्योंकि उनकी जो 9 से 10 मांगे थी उसमें से कई मांगे पूरी हुई है और कई मांगे जो है अभी पूरी होना बाकी है। ऐसा कहना है कि अगर वो मांगे नहीं पूरी होती है तो एक बार फिर ये भूख हड़ताल पर बैठे।